जो डीसीएम महोदय हैं, उप मुख्यमंत्री, और शॉर्टकट में बोले तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और शॉर्टकट में बोले तो डीसीएम, तो डीसीएम साहब जो हैं हमारे माननीय शुक्ला जी, ये मुख्यमंत्री की कार्यशैली में काम कर रहे हैं कि मतलब ये एक तरह से ऐसा लगता है जैसे इलाके बटे हो कि यहाँ के मुख्यमंत्री ये। तो वही मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि आप हमको क्लियर कर दें कि प्रदेश में एक ही मुख्यमंत्री हैं कि कई मुख्यमंत्री हैं, तो मैं इनको मुख्यमंत्री मान के अनुसरण करूँ। कई प्रॉब्लम्स हैं, इनका गौशाला का खेल है, गौशाला इनकी निजी है, निजी इन्होंने संस्था बना रखी है, उसमें बड़े बड़े औद्योगिक घरानों से अल्ट्राटेक सीमेंट घरानों, कई घरानों से इनको 20 करोड़ रुपए अनुदान मिलता है। सीएसआर मद का फंड पूरा ये गाय सेवा के नाम पर उनसे ले लेते हैं। 40 रुपए के हिसाब से 20,000 गांवों को 8 करोड़ वो ले लेते हैं। 25 से 30 करोड़ का कलेक्शन है हर वर्ष। वहाँ इनका ज़मीन इन्होंने जब बनाया था तब यही 50-56 एकड़ कब्जा ली थी अपने ट्रस्ट के नाम से, वही जो इन्होंने संस्था बना रखी करवा ली थी, वो तो फॉरेस्ट की अनुमति नहीं मिली, नहीं तो सैकड़ों करोड़ जाने वाली थी। तो एक तो वो है, दूसरा आप प्रशासन पे दबाव बनाने के लिए वहाँ जा जा के बार बार बैठक करते हो और वहाँ अनाप शनाप बातें करते हो, फिर बंद करके कमरे में अधिकारियों को आप निर्देशित करते हो कि यहाँ 3 हैंडपम्प कैसे हो गए। अधिकारी बताते कि साहब कुल 102 आए थे रीवा ज़िले में मऊगंज के अलग, तो 6 में भाग दे दिया तो 17 छक्के 102, तो 17 सेमरिया का था, तो उसमें से 3 किए हैं। तो बोले कैसे कर दिए, एक भी नहीं कर, हैंडपम्प एक भी नहीं होने देना, ट्रांसफार्मर एक भी नहीं बदलना है, रोडे एक भी जो हम मंजूर करा रहे हैं चालू नहीं होने देना है। बसामन मामा में ये देखिए आप, मैंने 4 करोड़ रुपये 3,97,00,000 रुपये दिए हुए हैं जिला पंचायत से, जबरन की लाइन लिखवा रहे हैं कि जिला पंचायत निरस्त करती। अरे पुरानी बॉडी का काम नया नहीं कर सकती, जबरदस्ती ये तो काम न करने देना है, इसी तरह रोड में नहीं कर सकती। कहते हैं कि अब इनका एक वेयर हाउस था उसके लिए ले जा रहे, अरे तुम बता दो कि जितनी आपने रोडें बनाई हैं कौन सी रोड है जिसमें आपकी संपत्ति नहीं, आप अपना बताओ। उटपटांग चीज़ें, अब ये इतनी छोटी हरकत करते हैं, इन्होंने व्हाट्सएप में आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों से डलवाया कि कल अभय मिश्रा ट्रेन में ये शराब पीते पकड़े गए, फलाने करते पकड़े गए, इस टाइप की मतलब उटपटांग हरकतें ये शुक्ला जी करते हैं, आपने व्हाट्सएप में देखा होगा। जबकि मैं 22 तारीख को मैं यहाँ भोपाल गया, उसके बाद तो मैं भोपाल ही नहीं गया, मैं बाहर ही था। तो इस तरह से इनके कृत्य हैं, यहाँ पुल जितने बन रहे हैं इनमें आप मानिए कि अगर 100 करोड़ का पुल है तो 150 करोड़ का एस्टीमेट। शुक्ला जी के ज़माने से, पंडित भैयालाल जी के ज़माने से, जब वो कॉन्ट्रेक्टर थे पुल के, हालांकि मतलब पहले तो वो पड़वा का व्यापार करते थे, पड़वा बेचते थे, फिर उसके बाद वो कॉन्ट्रेक्टर हो गए थे। तो जब कॉन्ट्रेक्टर हो गए थे तो उस समय पुल के वो अच्छे कॉन्ट्रेक्टर माने जाते थे, तो वही पुल में उस समय के जो अधिकारी थे वही रिटायर होते होते इनके पारिवारिक, एक तरह से ब्रिज कॉरपोरेशन इनकी निजी संस्था बनी, उसमें ये निजी तौर पर अपना मनमानी एस्टीमेट बनवाते हैं, और मनमानी एस्टीमेट बनवा करके 100 की चीज़ को 150-200 करके मोनोपोली रिंग बना करके 7-8 कॉन्ट्रेक्टरों का ग्रुप बनाए हैं, इसमें अच्छा खासा घोटाला कर रहे हैं। समदरिया जैसा ये घोटाला, जैसे इन्होंने ज़मीन का किया वैसे ही करते हैं। खैर आप कमाओ, हमें उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ के कामों को मत रखो, रोको। सेमरिया में इनका मन तड़पता है, इनको यहाँ नींद नहीं आती, चैन की नींद ढूंढने ये सेमरिया जाते हैं, फिर अधिकारियों को बैठक करके उन्हें अनर्गल दबाव देते हैं। रीवा रिंग रोड में इनकी आत्मा भटक रही है, यहाँ पर पहले वाले कॉन्ट्रेक्टर को इन्होंने जीने नहीं दिया और 200 करोड़ के काम में आधा कर दिया उस बेचारे ने काम, इसके बाद उसको जबरन टर्मिनेट कराया, फिर जो बचा 100 करोड़ का काम उसका 250 का टेंडर कराया, और मैंने आप खुद सोचिए हद देखी, और वो इनको थोड़े पैसे से ये चूक गए। अब जो कॉन्ट्रेक्टर पाया है उसके पीछे इनकी आत्मा भटक रही कि ये कब इससे फिर टर्मिनेट हो तो मैं कमाऊँ। कुल मिलाकर इन्हें विकास उकास नहीं है, ये कंक्रीट के जंगल के पीछे इनकी ठेकेदारी। और दूसरी चीज़, ये पंडित श्रीनिवास तिवारी बनने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी नकल कर रहे हैं। अरे श्रीनिवास तिवारी बना नहीं जाता, श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जैसे व्यक्तित्व पैदा होते हैं, ये बनाने से नहीं बनते, वो उप मुख्यमंत्री नहीं थे। तो मेरा ये कहना है, मेरी जानकारी के अनुरूप, कि उप मुख्यमंत्री का पद कैबिनेट द्वारा एक दर्जा प्रदत्त है, इसको कोई अलग से कोई अधिकार नहीं है। आप कैबिनेट मंत्री हो, यह बात सही है,
आप अपने विभाग के मंत्री हो, आप जहाँ के प्रभारी मंत्री बनोगे वहाँ के मंत्री हो, वहाँ की आप बैठक ले सकते हो, वहाँ आप निर्देश जारी कर सकते हो, वहाँ मिनट बुक जारी होगा, कार्यवाही विवरण जारी होगा, उसका पालन प्रतिवेदन होगा। लेकिन अन्य विभाग का जिस तरह से आप बुला बुला के यहाँ पर रीवा की जनता को चमकाए पड़े हो और अधिकारियों पर दबाव बनाए हो, चूँकि आप हो तो अधिकारियों को लगता है कहीं फंसा देंगे, कहीं ट्रांसफर करा देंगे, कहीं निलंबित करा देंगे, तो लोग इनके दबाव में और इस दबाव का उपयोग ये काहे में कर रहे हैं, सेवरिया की जनता से बदला ले रहे हैं। बाकी जितने विधायक हैं साथ जीने नहीं पा रहे हैं। हम लोग विधायकों की भी आपस में बात होती है, वो बताते हैं कि यही हाल इनका हर विधानसभा में, इन्होंने आतंक बचा रखा। तो इन सब बातों को लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि कृपया आप क्लियर कर दें कि प्रदेश के हमारी नॉलेज में तो एक ही मुखिया होते हैं सीएम, जिनको असीमित अधिकार प्राप्त कि कैबिनेट के मुखिया होने के नाते उनकी घोषणा अपने आप में राम वाक्य, तो क्या यही पावर इनको भी है? यदि है तो बता दें, तो मैं भी अनुसरण करूँ, इनको सीएम मानने लगूँ। और अगर नहीं है, एक ही मुखिया है, तो फिर ये सब गलत हो रहा है, इसको रोकें। इतना मैंने कहा।